हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्लास पांचवी का देखेंगे, है ना, आंकड़ा, जो कि इंग्लिश से हम लोग इसको डाटा बोलते हैं, है ना। तो आंकड़ा का हम लोग को बहुत ही दैनिक जीवन में क्या कहीं भी हम लोग को कुछ हिसाब किताब करने में सुविधा होती है आंकड़ा होने से, है ना। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं स्कूल में आप लोग का लिस्ट लिखा रहता है कि एक क्लास में 15 विद्यार्थी हैं, दूसरी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं, तीसरी क्लास में 40 विद्यार्थी है, चौथी क्लास में 25 विद्यार्थी है, पाँचवीं क्लास में 19 विद्यार्थी है। तो उस प्रकार से दिया रहता है डाटा, है ना। तो डाटा को हमको देखने में क्या सुविधा होता है, क्योंकि उससे देख के तुरंत हम पता कर सकते हैं। और डाटा यदि नहीं दिया रहेगा तो उसमें उसका अलावा भी हम लोग गिन के कर सकते हैं, क्लास क्लास जाके गिनना होगा, उसमें हमको क्या देर लग सकती है, समय का थोड़ा सी। इसलिए डाटा में क्या हम लोग को एक तुरंत देख के पता चल सकता है, है ना, कि कितना क्या चीज़ का। उसी पर देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाल संसद के बच्चों द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया, है ना। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। एक जीके 20 में निकल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। 5 जून को बच्चा बाल संसद जो स्कूल में होता है उन लोग क्या पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना। पौधे लगाए गए हैं, कौन कितना किस प्रकार के पौधे क्या क्या लगाए हैं देखिए। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों की संख्या को सूचना पट पर इस प्रकार दिखाया गया है। तो देखिए, एक तरफ है पौधों का प्रकार और दूसरा तरफ है पौधों की संख्या, है ना। तो देखिए, आम के पौधे कितना है, 17 है, नीम के पौधे 13, जामुन के पौधे 18, सखुआ के पौधे 33, पीपल के पौधे 13, शीशम के पौधे 16। इतना हमको लगाया गया है उस स्कूल में, जिस स्कूल का बात है, है ना, स्कूल में लगाया गया। तालिका को देख कर बताइए, प्रश्न में क्या है, कम में सबसे अधिक कौन से पौधे लगाए गए हैं, है ना। तो सबसे अधिक देखिए कौन सा पौधा है, संख्या देखिए, पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा है वही पौधा है, देखिए सखुआ, इतना लिख देना है सखुआ, सखुआ लिख देना है। दूसरा ख नंबर में प्रश्न है, कौन कौन से पौधों की संख्या बराबर है, है ना। तो देखिए बराबर, यहाँ 13, यहाँ भी 13। तो इसका नाम क्या है, देखिए नीम है और एक पीपल है ना। तो नीम और पीपल, तो यहाँ नीम और पीपल लिख देना है, नीम और पीपल लिख देना है। उसके बाद ग नंबर में प्रश्न है, कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, है ना। तो कुल में क्या करेंगे, सबको जोड़ देना है, है ना। कुल पौधों की संख्या को क्या जोड़ देंगे, कुल पौधे कितना है, चलिए हम लोग यही जोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ लिख देना है कुल, देखिए 7 और 3 10 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30, 30 के 0 हाथ में 3, 1 और 1 2 और 1, 3 3 और 3 6 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो टोटल पौधों की संख्या कुल कितना है, 110, 110 पौधे कुल हैं। ग नंबर का प्रश्न है, आपके पसंद के कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, है ना। तो सभी बच्चों का अलग अलग अपना पौधा पसंद होता है। तो मेरा पसंद से इसमें पौधा है, एक नीम है और एक आम है। तो नीम और आम को हम जोड़ देते हैं, आपका हिसाब से क्या पौधा पसंद है उसको आप लिख के जोड़ देना है, है ना, आपके हिसाब से। तो मेरा हिसाब से आम, आम देखिए कितना है, 17 है, और नीम 13। तो 17 और 13 को हम जोड़ देंगे, 17 और 13, 7 3 10, 7 में 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो मेरा हिसाब से 30 पौधे हैं, है ना। तो आपका भी अपना अपना पसंद अलग अलग हो सकता है सभी बच्चों का, तो अपना अपना जोड़ के उसमें लिख देना है, है ना। आगे नंबर का प्रश्न है, आम के पौधों की संख्या कितनी है, है ना। तो आम के पौधों की संख्या कितनी है, देखिए 17। तो 17 लिख देना है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद और एक प्रश्न देखते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट मार लीजिए, तब तक उसके लिए स्क्रीन शॉट मार लिए होंगे, आशा करते हैं मिटाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, हम पढ़ते जाते हैं बनाते हैं। देखिए आप लोग के पास किताब तो हो गई है, लिखा हुआ दूसरा नंबर का प्रश्न है, कक्षा 5 में 30 बच्चे हैं, शिक्षक ने प्रत्येक से पूछकर मनपसंद पेय पदार्थों के एक तालिका बनाई है, है ना। एक तालिका बनाते हैं, एक तरफ है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का नाम जिसको पिया जाता है, पेय पदार्थ का नाम, और दूसरी ओर है बच्चों की संख्या, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग चीज पीने की पसंद होती है। देखिए क्या क्या पेय पदार्थ में है, मट्ठा जिसको छाछ भी बोलते हैं, 8 बच्चा पसंद करते हैं मट्ठा, कितना बच्चा, 8 बच्चा
दूध दूध 10 बच्चा पीने के लिए पसंद करते हैं, नींबू का पानी, नींबू पानी 8 बच्चा पसंद करते हैं, और चीनी शरबत, चीनी शरबत 4 बच्चा पसंद करते हैं। ये हमारा तालिका में दिया हुआ है। अब प्रश्न में है क, प्रश्न में दूध पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है ना, तो दूध पीने वाले बच्चों की संख्या कितना है, देखिए 10 है ना, इसका दाईं ओर देखना दूध किसी दाम 10 है, तो उत्तर में इसका हो जाएगा 10 बच्चे। आपको आपके आपका पास बुक होगा तो बुक निकाल के देख लीजिएगा। प्रश्न ख नंबर का प्रश्न में है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पेय पदार्थ का नाम खाली स्थान है, तो सबसे अधिक कौन सा पेय पदार्थ पिया जा रहा है, देखिए सबसे ज्यादा संख्या किस में है, दूध में है, तो देखिए दूध सबसे ज्यादा, तो इसका ख का उत्तर क्या आएगा, दूध। ग नंबर में प्रश्न है, मट्ठा पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है ना, गांव में क्या पूछ रहा है, मट्ठा पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है, तो मट्ठा देखिए कितना बच्चा पी रहा है, 8, इसका उत्तर में लिख देना है 8 बच्चे। घर नंबर का देखिए, चीनी शरबत पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है, तो चीनी शरबत देखिए कितना बच्चा पी रहा है, 4, इसका उत्तर लिख देना है 4 बच्चे। अंग नंबर का प्रश्न देखिए, दूध तथा नींबू पानी पीने वाले बच्चों की संख्या खाली स्थान है, तो दूध और नींबू पानी तो लिख देना है, दूध पीने वाले बच्चों की संख्या 10 है ना, दूध लिख दीजिए ना, दूध पीने वाले बच्चों की संख्या 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 10 तथा नींबू पानी पीने वाले बच्चों की संख्या 8, नींबू पानी पीने वाले बच्चों की संख्या संख्या कितना है 8। इस प्रकार से आपको लिख देंगे, नहीं तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं 10.8 ऐसा भी लिख दे सकते हैं, है ना, क्योंकि खाली स्थान में दिया गया है। तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।